नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी फ्रेंड्स, और मैं आपको स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 7 टेक्स्ट बुक साइंस की चल रही है। यहाँ पे ये तीसरा चैप्टर है, फाइबर टू फैब्रिक, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं क्लास 6 की हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, साइंस की टेक्स्ट बुक ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ये क्लास 7 साइंस की टेक्स्ट बुक है, और भी बहुत सारी एनसीईआरटीज आपको मिल जाएंगी फ्रेंड्स। मेरे अर्षद द्विवेदी नाम के चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको ये मिल जाएगी। अगर आप क्लासरूम पर्पज से पढ़ रहे हैं तो भी आपके काम की चीज है, अगर आप यूपीएससी या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो भी आपके काम की चीज है। अब देखिए, फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर क्लास 6 की साइंस की किताब में भी था, वहां पे हमने देखा था कि भैया कैसे कुछ प्लांट से हमको फाइबर मिलता है। नॉर्मली प्लांट से हमको हमको प्लांट से फाइबर मिलता है, साथ साथ हमको एनिमल से भी फाइबर मिलता था। तो नॉर्मली दो प्रकार के हमने ऐसे फाइबर्स देखे थे जो हमको एनिमल से मिलते थे, एक था वूल, एक था सिल्क। ठीक है, वूल हमको मिलता था शीप, याक, गोट या कुछ और अलग तरीके के प्राणी जैसे कि कैमल, उनके फ्लीस से, फ्लीस हेयर मतलब जो उनके शरीर पे जो हेयर है उनसे ये वूल मिलता है। और सिल्क फाइबर हमको सिल्क मॉथ से मिलता था। सिल्क मॉथ एक कीड़ा टाइप का होता है, उड़ने वाले इंसेक्ट की तरह लगेगा, अगर आप इसकी फिगर को देखोगे सिल्क मॉथ को, उससे ये हमको सिल्क फाइबर्स मिलते हैं। एक कुकून बनाता है ये कैटरपिलर, उस कुकून के अंदर वो कैटरपिलर सिल्क मॉथ में अपने आप को कन्वर्ट करता है, और कुकून के बाहर की जो लेयरिंग होती है वो सिल्क होती है, वो सिल्क हमें चाहिए होता है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, सब कुछ आज डिटेल देखी जाएगी इसकी। आपको पता है फ्रेंड्स कि शीप की बॉडी के कौन से पार्ट से आपको फाइबर मिलता है, और क्या आपको मालूम है कि कैसे इन फाइबर्स को वूलन यान में कन्वर्ट किया जाता है, और उस यान को आप खरीद के अपना स्वेटर बनाते हो। जैसे आपने दादी माँ या आपकी मम्मी कभी कभी स्वेटर बनाती हैं, तो ऊन का गोला आप लेके आते होगे मार्केट में, और उस ऊन का गोला को सिलाई के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू आप चेंज करते हो स्वेटर में। लेकिन वो ऊन का जो गोला है वो कैसे बना, ये प्रोसेस कैसे हुआ, इस प्रोसेस को आज हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, सिल्क की साड़ियां भाई बड़ी फेमस होती हैं और बहुत ज्यादा महंगी होती हैं, लोग सिल्क की साड़ियां पहनते हैं, लेडीज को बड़ा क्रेज होता है सिल्क की साड़ियों का, तो वो बहुत महंगी होती है। इतनी महंगी क्यों होती है, तो ये जो सिल्क फाइबर है ये कहां से आता है, इसके बारे में बात करेंगे। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, शीप विद थिक ग्रोथ ऑफ हेयर्स दिख रहा है आपको, तो यहां पे आप देख के समझ सकते हैं कि इसकी पूरी बॉडी पे ये हेयर्स है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि पूरी बॉडी पे हेयर्स है, तो ऑब्वियस बात है कि यहां से लेके इसकी पूरी बॉडी से इन हेयर्स को निकाला जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इसके बॉडी से वो फाइबर्स आपको मिलेंगे जिसको आप वूल में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले वूल से शुरुआत करते हैं। वूल शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, याक से मिलता है, कुछ और जानवरों से मिलता है जैसे कि हो गया कैमल। ठीक है, इन वूल यील्डिंग जानवरों के शरीर पे हेयर्स होते हैं। और आपने कभी सोचा है कि इन जानवरों के शरीर पे हेयर्स क्यों होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हर जानवरों को नेचुरली अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म दिया है हमारी नेचर ने, तो इन जानवरों को ये हेयर दिया जाता है ताकि वो सर्दी के समय पे अपने आप को नेचुरली सर्दी से बचा सके। जब इस शीप के या याक के शरीर पे ये हेयर्स होंगे ना, और बाहर की तरफ अगर ठंडी पड़ रही होगी, तो इसके अंदर की जो गर्मी है ना वो बाहर आसानी से जाएगा नहीं, क्योंकि ऊपर जो ये थिक हेयर है या फिर ये जो वूल आप कह सकते हो, जो थिक लेयर ऑफ हेयर है, ये बहुत सारी एयर को ट्रैप करती है, और एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो इस शीप की या इस पर्टिकुलर एनिमल के जो अंदर की जो उसके शरीर की गर्मी होगी वो आसानी से बाहर नहीं जाएगी, और इसीलिए ये जो हेयर होते हैं ये इन एनिमल्स को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। ठीक है, और जो वूल है वो इन्हीं हेयरी फाइबर से डिराइव होता है। तो पहले आपको इन हेयरी फाइबर्स को इस एनिमल के शीप के शरीर से निकालना पड़ेगा। अब यहां पे आपको एक चीज छोटी सी करनी है फ्रेंड्स, समझने के लिए, कि आप अपने बॉडी के हेयर्स को ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अपने सर के हेयर्स को खासकर, और अपनी दाढ़ी के हेयर्स को, इनको छू के देखिए। फिर जो आपकी बॉडी, एक तो आपने सर के हेयर्स को देखा, एक दाढ़ी के हेयर्स को देखा, और फिर आपकी जो छाती पे बाल आते हैं या फिर आपके हाथों पे जो बाल आते हैं उनको टच करिए, कौन सा आपको कोर्स लगेगा, कौन सा सॉफ्ट, कोर्स मतलब हार्श या फिर हार्ड कंपैरेटिवली। वैसे तो आपको दोनों ही सॉफ्ट लगेंगे, आपके सर भी बाल आपको सॉफ्ट लगेंगे और आपकी छाती के और हाथ के बाल भी आपको सॉफ्ट लगेंगे। लेकिन आप देखोगे फ्रेंड्स कि जो आपकी छाती के और जो हाथ के बाल है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि सॉफ्ट होते हैं व्हेन कंपेयर टू द हेयर ऑन योर हेड, तो आप कह सकते हो कि जो आपकी छाती के बाल है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। उसी तरीके से जो शीप की स्किन होती है उसमें भी दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, एक तो उसकी बर्ड, उसकी दाढ़ी के पास का जो पोर्शन होता है
वहां पे जो बॉल होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं, दूसरा उसके शरीर पे जो बॉल गिरते हैं ना फ्रेंड्स वो होते हैं फाइन सॉफ्ट, और इन्हीं फाइन सॉफ्ट हेयर्स का प्रयोग किया जाता है वुल बनाने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके के जो जानवर है जैसे शीप है, गोट है, याक है, सब में आपको एक यूनिफॉर्म सॉफ्टनेस वाले हेयर नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जहां पे उनकी बॉडी के हेयर भी थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, और चूंकि अगर आपको वूल बनाने हैं तो आपको सॉफ्ट हेयरों की जरूरत है, इसलिए होता क्या है कि अब ये जो तरीका है ना आपका वूल बनाने का, मतलब जानवरों से के हेयर को काट के वूल बनाने का जो तरीका है वो काफी कॉमर्शलाइज हो चुका है। तो इसमें प्रॉपरली होता क्या है कि पहले पेरेंट सेलेक्ट किए जाते हैं जिनके पास स्पेशल करेक्टर्स होते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के प्रोसेस से उनका बच्चा पैदा किया जाता है, और बच्चे को कुछ इस तरीके से पैदा किया जाता है कि उसके पास जो भी हेयर आएंगे वो सॉफ्ट होंगे, और फिर उन सॉफ्ट हेयर्स को काट के वूल बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो हम आप समझ सकते हैं कि अब ये प्रोसेस सेलेक्टिव ब्रीडिंग के तरीके से होने लगा, यानी कि पेरेंट्स चुने जाएंगे, पेरेंट्स कुछ इस तरीके से चुने जाएंगे, जो बच्चे होंगे उनके पास पहली बात तो खूब सारा उनके शरीर पे बाल आएंगे और वो बॉल सॉफ्ट होंगे, और उन सॉफ्ट बॉलों से हम लोग क्या बनाएंगे, वूल बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो वूल बनाते हैं। तो भैया बहुत अलग अलग तरीके की भेड़ बकरियां होती हैं अपने पूरे कंट्री में जिनको वूल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेबल 3.1 में इनका दे रखा, अभी इस पे टेबल 3.1 पे भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो शीप का जो फ्लीस होता है, जो शीप के शरीर पे जो हेयर्स होते हैं, केवल वही ओनली सोर्स ऑफ वूल नहीं है, बाकी सोर्सेस क्या है वूल के उनको हम लोग समय पे देखेंगे। लेकिन ज्यादातर जो वूल आपको मार्केट में मिलता है ना फ्रेंड्स वो शीप वूल ही होता है, फिर याक से भी आपको वूल मिलता है। तो याक आपको फिगर 3.2 में दिखाया गया है, ये जो याक वूल है ये आपका तिब्बत और लद्दाख में काफी कॉमन है। तो देखते हैं याक, ये देखिए 3.2 आपको याक दिख रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि याक किस तरीके का बड़ा सा गाय जैसा जानवर आपको नजर आ रहा है, बहुत बड़ा होता है याक। अगर आप किसी ठंडी जगह पे जाएंगे तो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि एक आदमी याक लेके खड़ा रहता है और उस याक पे बैठ के आप लोग फोटो खिंचाते हो उसको कुछ पैसा देके। ठीक है, उस समय पे अगर आप इस याक को देखोगे तो बड़ी दयनीय सी हालत होती है उसकी। यहाँ पे आपको शीप दिखा रखी है, तो इस शीप से भी हेयर निकल जाता है। 3.1 में शीप है, 3.2 फिगर में याक है। फिर मोहेर, ये एक स्पेशल तरीके का वूल है, ये आपका अंगोरा गोट से मिलता है। ये अंगोरा गोट्स आपको हिली रीजन से मिल जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर की। 3.3 ये वो अंगोरा गोट दिख रही है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो शीप है, ये जो याक है, ये अंगोरा गोट है। तो याक देखिए तिब्बत और लद्दाख में मिली, अंगोरा गोट्स आपको जम्मू एंड कश्मीर में मिली। अब बात ये है फ्रेंड्स कि जम्मू एंड कश्मीर में और खासकर तिब्बत लद्दाख में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो उस बहुत ज्यादा सर्दी से बचने के लिए ये जो ग्रोथ ऑफ हेयर है ना इन शीप के ऊपर, ये बहुत नेचुरल है। नेचुरली नेचर ने इन एनिमल्स को यह ताकत दी है कि वो सर्दी से अपने आप को बचा सकते हैं, इसलिए ये हेयर की ग्रोथ हो रही है इनके ऊपर, और उस हेयर का इस्तेमाल इंसान ने अपना दिमाग लगा के अपना वूल बनाने के लिए किया, अपने पहनने के लिए। क्या इंसान ने सही किया, इसके आगे भी एक बहस है। अब देखिए, ये जो वूल ऑब्टेंड हुआ गोट हेयर से, ये 3.4 में आपको गोट हेयर दिखा रहा है। द अंडर फर ऑफ द कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट, ये जो गोट है इस तरीके की गोट्स कश्मीर में मिलेंगी और भी जगह मिल जाएंगे आपको इंडिया में। तो इसके अंडर फर को आपने, ये जो इलाका है यहाँ वाले फर्स को तोड़ा, कुछ कुछ शीप्स में आप देखेंगे, गोट में देखेंगे कि ऊपर की तरफ नहीं होगा, सिर्फ नीचे की तरफ होगा, कुछ कुछ में पूरे में फैला हुआ होगा। तो इस अंडर फर को, इसके आप हेयर्स को आपने कश्मीरी गोट से निकाला और उसको उससे फिर फाइन शॉल्स बनाते हैं। वो शॉल्स कश्मीर में पश्मीना शॉल्स के नाम से बिकती हैं। पश्मीना शॉल्स काफी एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती हैं। जब लोग कश्मीर जाते हैं तो स्पेशली पश्मीना शॉल खरीदना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि वो काफी फाइन होती हैं। बट ज्यादातर केस में पश्मीना लोग बॉल्स में पश्मीना शॉल बेच बेच के लोग उल्लू बनाते हैं, वो एक्चुअली में होती नहीं है। उनको पहचानने की भी एक अलग ही ट्रेट है, सब लोग नहीं पहचान सकते उनको। फिर बहुत सारे कैमल्स की, ऊंटों की बॉडी पे भी जो फर होता है ना, उसको भी वूल बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो आपको लामा और अल्पाका दिख रहा है कहां पे, फिगर 3.6 और 3.7 में, 3.5 में आपको कैमल दिख रहा है। 3.4 में आपको ट्रेडिशनल कैमल दिख रहा है, और लामा और अल्पाका भी एक तरीके का कैमल भी है, मैं आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स। देखिए ये है लामा, LLAMA, ये आपको लामा नजर आ रहा है और ये आपको अल्पाका नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इनकी अल्पाका, ये वाला अल्पाका है और ये वाला लामा है। इनकी बॉडी पर अच्छा खासा आपको हेयर का ग्रोथ दिख रहा है, और उसको पूरा का पूरा रेयर करके, इसकी शेयरिंग करके, इससे वूल बनाया जाता है। तो
कितने अलग अलग जानवरों से आपको वूल मिल सकता है ये आपको नजर आ रहा है। तो एक्टिविटी 3.2 में आपको क्या करना है कि भैया आप उन एनिमल्स की पिक्चर्स को इकट्ठा करिए जिनके बालों का इस्तेमाल करके वूल बनाया जा सकता है। कितने सारे तो यही बता दिए फ्रेंड्स, इनके रीजंस बता दिए। और अगर आप पिक्चर्स नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप इस बुक से देख के बना सकते हैं, वैसे पिक्चर्स बहुत आराम से मिल जाएंगी फ्रेंड्स। अगर आपके पास गूगल का एक्सेस है तो आप गूगल पर सर्च मारिए, आपको पिक्चर मिलेगी। फिर ये जो शीप है, गोट है, कैमल है, याक है, इनको आपकी पर्टिकुलर रहने की जगह पे लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। राजस्थान में इनके कुछ स्पेशल नाम होंगे, जम्मू एंड कश्मीर में इनके कुछ स्पेशल नाम होंगे, या फिर देश की दूसरी भाषाओं में इनका क्या नाम होंगे, ये पता करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपके क्लास में कोई ऐसा पर्सन है जो कि साउथ इंडिया से आके पढ़ रहा है, अगर आपका कोई दोस्त, तो आप उससे पूछिए कि वो अपने माँ बाप से पूछे कि साउथ इंडिया में इन जानवरों को क्या बोला जाता है। अगर कोई पर्सन आपका दोस्त नॉर्थ इंडिया का है, नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले अपने दोस्त से पूछे कि भाई इन जानवरों को उसके इलाके में क्या बोला जाता है, तो इससे आपकी एक तरीके से नॉलेज ही बढ़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि इंडिया के नक्शे पे और दुनिया के नक्शे पे आपको उन जगहों को मार्क करना है जहां पे ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जो वूल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और उस लोकेशन को डिनोट करने के लिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करिए। अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये बात आ गई ना कि दुनिया भर में आपको ये पता करना है कि भाई इस तरीके के जानवर कहाँ पे मिलते हैं। अब जैसे ये अंगोरा गोट हो गई, मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर में, पश्मीना गोट हो गई, कश्मीरी शॉल बनती है इससे, तिब्बत लद्दाख में मिली ये गोट्स, तो ये जो आपको नजर आ, जैसे ये याक है, ये याक आपको तिब्बत और लद्दाख में मिला, अंगोरा गोट से आपको मोहर मिला जो कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलती है, फिर ये जो कश्मीरी गोट है इससे आपको पश्मीना शॉल मिला, ये भी कश्मीर में मिलती है। होता क्या है फ्रेंड्स कि देखिए ट्रेडिशनली देखा जाए या नेचुरली देखा जाए तो इस तरीके की जोट्स, इस तरीके की गोट्स या शीप या याक तो देखिए अभी भी हिली एरियाज में ही मिलती है, तो इस तरीके के जो जानवर होते हैं ना जिनके शरीर पे वूल है, जिनके शरीर पे हेयर है, ये नेचुरली आपको उन जगहों पे मिलेंगे जहां ठंडी ज्यादा पड़ती है। तो अगर आप इंडिया में बात कर लो तो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका हो गया, लद्दाख का इलाका हो गया, इस तरीके की जगहों पे ये जानवर आपको मिलेंगे। लेकिन अब आप देखोगे कि इन जानवरों को प्लेन एरियाज में भी रखा जाए, जैसे उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएगा, उत्तराखंड में भी मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तो चलो फिर भी ठंडा है, राजस्थान साइड में आ जाएंगे तो वहां पे भी ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो अब ये जो वूल को बनाने की इंडस्ट्री है ना, शीप के हेयर्स को निकाल के, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है फ्रेंड्स जो कॉमर्शियल बेसिस पे ऑपरेट करती है। तो जब ये कॉमर्शियल बेसिस पे ऑपरेट होती है तो इस तरीके की सेलेक्टिव ब्रीडिंग से बहुत सारी भेड़ बकरियों को बनाया जाता है और उनको उनके हिसाब की कंडीशंस में रखा जाता है। क्योंकि आप उनको कॉमर्शियली रेयर कर रहे हो, आपको कॉमर्शियली उनका इस्तेमाल करके वूल बनाना है, तो अब ये जरूरी नहीं है कि वो ठंडे इलाके में ही पाए जाए। दुनिया में आप बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कैनेडा का इलाका, नॉर्थ अमेरिका का इलाका नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स का, फिर ग्रीनलैंड का इलाका, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वहां पे ये काम नेचुरली शुरू से होता जा रहा है क्योंकि वहां पे नेचुरली ठंडी पड़ती है, रशिया का नॉर्दर्न इलाका। लेकिन जहां पे ठंडी नहीं भी पड़ती, प्लेन इलाके में भी अब इन शीप के बालों से वूल बनाने की इंडस्ट्री काफी डेवलप कर चुकी है। तो जरूरी नहीं कि आपको ये ठंडे इलाके मिले, आपको गर्म इलाकों में भी इस तरीके की बहुत सी इंडस्ट्री मिल जाएगी। क्योंकि इंडिया में अगर आप यूपी की बात करोगे ना फ्रेंड्स, तो यूपी में आप देखोगे दिसंबर दिसंबर के टाइम पे काफी सर्दी पड़ने लगती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गर्मी के समय से ही इन शीप से इनके हेयर को हटा के स्वेटर या वूल बनाने के प्रोसेस को शुरू कर दिया जाता है, ताकि जब तक सर्दी आए तब तक स्वेटर पहनने के लिए मार्केट में आ सके। समझ गए, आगे चलते हैं। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, अब प्रोसीजर को हम लोग देखेंगे कि भैया इन फाइबर से वूल कैसे बनाया आपने। तो वूल को बनाने के लिए शीप की रेयरिंग की जाती है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इस प्रोसेस को, तो समझने का तरीका भी बताऊंगा अगर यहां से समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके हेयर को काटा जाता है और वूल में प्रोसेस किया जाता है। इसका प्रोसेस है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हिल्स में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में जाएंगे, या फिर ये तो हो गए पहाड़ी इलाके, या फिर हरियाणा के प्लेन्स में आ जाइए, पंजाब में आ जाइए, राजस्थान या गुजरात में आ जाइए, ये हो गए आपके प्लेन इलाके। यहाँ पे देख जाएंगे कि बहुत सारे शिप के झुंड चराने के लिए जो चरवाहे होते हैं वो ले लेके अपनी शिप्स को घुमा करते हैं, ठीक है। अच्छा, जब वो चराने के लिए इन शिप्स को लेके घुमा करते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो घास को खाती हैं, और घास के अलावा ये जो शेफर्ड्स हैं इनको और भी चीजें देते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ पल्सेस देते हैं, कॉर्न देते हैं, मक्का देते हैं, ज्वार देते हैं, ऑयल केक्स देते हैं। ऑयल केक्स यानी ऑयल सीड्स से जब आप ऑयल निकाल लेते हैं, जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको ऑयल केक बोलते हैं, और मिनरल्स देते हैं। फिर जब ठंडी का समय आता है तो ठंडी के समय पे इन शीप्स को अंदर रखा जाता है ताकि इनको इनके पास गर्मी रहा
रहे और लीव्स, ग्रेन और ड्राई फॉडर दिया जाता है। होता क्या है फ्रेंड्स कि ये जो रियरिंग होती है इनके ऊपर से बाल निकालने का जो प्रोसीजर होता है इसको गर्मी में किया जाता है और गर्मी में इनके सारे बाल निकाल दिए जाते हैं। तो अब ये एक्सपोज्ड एटमॉस्फेयर, क्योंकि गर्मी में सर्वाइव कर जाएंगे और सर्दियों में इनको स्पेशली ऐसी जगहों पर रखा जाएगा जहां पे इनको ज्यादा सर्दी ना लगे, क्योंकि ज्यादा सर्दी लगेंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इनका नेचुरल जो यू नो आपके लाइन ऑफ डिफेंस था, जो इनके नेचुरल बाल थे जो इनको नेचर ने दिए थे अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो तो आपने अपने मतलब के लिए निकाल लिए वूल बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, इन गोट्स को, इन शीप्स को भी तो प्रोटेक्ट करना है, तो सर्दियों के टाइम पे आपको इनको एक इनक्लोजर में रखना पड़ेगा ताकि इनको सर्दी कम रहे। ज्यादा सर्दी लगेगी, इनके बाल भी निकल चुके होते हैं तो ये मर जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में शीप को रियर किया जाता है। टेबल 3.1 में आपको कुछ ब्रीड्स मिली हैं शीप की जिनको रियर किया जाता है वूल बनाने के लिए, और उन फाइबर्स का क्वालिटी और टेक्सचर भी दिया हुआ, देख लेते हैं यहाँ पे। इस पर एक नजर मार लीजिए फ्रेंड्स, दो तीन बार नजर मार लेंगे तो चीजें आपको थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप क्लासरूम पर्पज से पढ़ रहे हैं तो आप अपने एग्जाम्स में इस इन्फॉर्मेशन को कोट कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी के पर्पज से भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए, बहुत ज्यादा समय मत लगाइएगा इसमें। तो ही लोही नाम की ब्रीड अच्छा क्वालिटी ऑफ वूल देती है, राजस्थान पंजाब में मिलती है। रामपुर बुशहर, रामपुर के नाम से आप समझ जाइए, उत्तर प्रदेश में मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में भी मिलती है। ब्राउन फ्लीस देती है। नाली कारपेट वूल देती है, राजस्थान हरियाणा पंजाब में मिलता है। बखरवाल वुलन शॉल्स बनते हैं इससे, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, बखरवाल बहुत फेमस है। मारवाड़ी कोर्स वूल देती है, और मारवाड़ी के नाम से समझ जाइए गुजरात में मिलेगी। पतनवाड़ी होजरी के लिए इस्तेमाल होता है, गुजरात में मिलती है। तो क्वालिटी, टेक्सचर और कहाँ कहाँ पे मिला सब बता दिया। इससे आपको पता चला कि देखिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में तो मिल ही रहा है, प्लस राजस्थान पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा गुजरात ये सब प्लेन इलाके हैं, यहाँ पहाड़ नहीं है, ठंडी नहीं पड़ती है, बट यहाँ पे भी शीप रेयरिंग के थ्रू वूल बनाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ही ठंडी जगह जरूरी नहीं है। अब आपको एक सवाल है, क्या साउथ इंडिया में बनाया जाता है फ्रेंड्स? आपको पता है कि जो नॉर्थ इंडियन के प्लेन इलाके हैं, हरियाणा वगैरह, हरियाणा हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे तो शीप रेयरिंग हो ही रही है क्योंकि थोड़ी बहुत ठंडियां सर्दियों में पड़ती है। बट अगर आप कभी चेन्नई में जाओगे, ठीक है, साउथ इंडिया में मैंने एक चेन्नई एग्जांपल दिया, तमिलनाडु की कैपिटल है, तो चेन्नई में अगर आप दिसंबर के महीने में रहेंगे जाके तो वहां पे आपको सर्दी नहीं लगेगी। खासकर अगर आप किसी नॉर्दर्न स्टेट को बिलोंग करते हैं, यूपी को बिलोंग करते हैं, बिहार को बिलोंग करते हैं, तो दिसंबर के टाइम पे काफी सर्दी हो जाती है यूपी बिहार में भी। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में तमिलनाडु जैसे स्टेट में जाके रहते हैं दिसंबर में, तो क्या आपको सर्दी लगेगी? एक तो तमिलनाडु कोस्ट के पास है, तो चेन्नई जैसी सिटी में आप रहोगे तो आप कोस्ट के पास हो, तो कोस्ट की वजह से वैसे सर्दी का इफेक्ट कम हो जाता है। प्लस क्योंकि उसका जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर के काफी पास है, तो भी वहां पे उतनी सर्दी नहीं पड़ती। तो क्या वहां पे वुल बनाने के लिए शीप की रियरिंग होती है? ये सवाल है, इसका जवाब आप खुद ढूंढिए। हर चीज मैं आपके सामने थाली में परोस के नहीं दूंगा। अब देखते हैं, बहुत सारी ब्रीड्स हैं शीप की जिनकी बॉडी के ऊपर एक थिक कोट ऑफ हेयर होता है जिससे अच्छा खासा क्वालिटी ऑफ वूल निकलता है। तो आप समझ लीजिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग्स के थ्रू कुछ ऐसी खास वेराइटीज होती हैं जिनको बनाया जाता है जिनमें अच्छा खासा वूल, एक्चुअली उनको पैदा ही इसीलिए किया जाता है ताकि बड़े होकर वो बहुत ज्यादा वूल दें आपको। ठीक है, तो एक बार जिस शीप की आपने रियरिंग की है, जिसको आपने पाला पोसा किया है सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू, पहले आपने उसे पैदा किया फिर उसको पाला पोसा, अब उसके ऊपर थिक ग्रोथ ऑफ हेयर हो गई है, तो उस थिक ग्रोथ ऑफ हेयर को आपको हटाना है वूल बनाने के लिए। तो प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल की बात करते हैं। देखिए, और एक बात और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब आप इन शीप के ऊपर से इनका हेयर हटाते हो ना, तो इनको कोई नुकसान नहीं होता। आप जब अपने सर के ऊपर से हेयर को घुटा दोगे तो आपको दर्द नहीं होगा। उसका रीजन ये कि ये डेड ग्रोथ होती है, हेयर इज अ डेड ग्रोथ, तो दर्द नहीं होता। उसी तरीके से इन शीप की जान माल को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहां पे मैं वो देता हूं, एक्सेप्शन देता हूं। एक तिब्बतन एंटीलोप है चीरू, चीरू नाम का एक तिब्बतन एंटीलोप होता है। इस चीरू की आप कह सकते हैं कि खाल से एक शॉल बनता था, और चीरू की खाल से जब आपको शॉल बनाना, तो चीरू को आपको मारना पड़ेगा। तो अभी जाके कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए कि इस चीरू को मारना क्यों पड़ता है। इस चीरू को बिना मारे इसकी खाल का प्रयोग करके कोई कपड़ा या कोई शॉल क्यों नहीं बनाया जा सकता, जबकि यहां पे शीप्स को आपको मारना नहीं पड़ रहा, बस आप उनका हेयर निकाल रहे हो। ये मैंने आपको इनक्विजिटिवनेस के लिए सवाल पूछ दिया, करना हो करिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। आप प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल की बात करते हैं। जो वूल आपको मिलेगा उससे आप स्वेटर्स नीड करेंगे, शॉल्स बनाएंगे, ठीक है,
और ये जो प्रोसेस होता है ना आपका, कि भेड़ के ऊपर से आपने हेयर निकाल के फाइनली उसको शॉल तक पहुंचाया, स्वेटर तक पहुंचाया, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप वन देखते हैं, रियरिंग में क्या हुआ कि आपने सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू पहले शीप को पैदा किया और उसको रियर करके बड़ा किया ताकि उसके ऊपर एक अच्छी खासी थिक लेयर आ जाए हेयर की। फिर ये जो लेयर होता है इसको फ्लीस भी बोलते हैं, जिसको हेयर का पूरा झुंड होता है ना शीप के ऊपर, उसको फ्लीस बोलते हैं। और ये जो फ्लीस होता है, जो हेयर होता है शीप का, वो छोटी लेयर ऑफ स्किन के ऊपर आता है। तो इस पूरे फ्लीस को उस लेयर ऑफ स्किन के साथ हटाया जाता है। अब लेयर ऑफ स्किन के साथ हटाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शीप को मार रहे हो, नहीं फ्रेंड्स। शीप की खाल के ऊपर एक छोटी लेयर आती है स्किन की, उसके ऊपर वूल होता है, ठीक है ना। जब आप उस लेयर ऑफ स्किन और वूल को हटा दोगे, उसके बाद वो लेयर फिर से डेवलप हो जाएगी। उसको समय लगेगा डेवलप होने में, पर वो डेवलप हो जाएगी। तो ये जो हेयर होते हैं शीप की खाल के ऊपर अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन, इसको जब हटाया जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है शियरिंग। और इनके लिए जिन मशीनों का प्रयोग किया जाता है, काफी हद तक वो उन्हीं मशीनों की तरह होती है जो बार्बर्स इस्तेमाल करते हैं। अगर कभी घर में आपने, आप तो खैर बहुत छोटे हैं, अगर सेवन क्लास के बच्चे देख रहे हैं, आपने अपने फादर को देखा होगा ट्रिम करते हुए, तो फिलिप्स का या किसी और कंपनी का जो ट्रिमर आता है उससे ट्रिम करते हैं। कुछ कुछ ट्रिमर जैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे इन भेड़ों के, या आप कह सकते हैं शीप की खाल को निकाला जाता है, वो खाल जिसके ऊपर हवा, जिसके ऊपर हेयर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए शियरिंग कैसे होती है किसी शीप की वूल की, वूल के लिए, वो आपके लिए बेस्ट तरीका जानने का कि आप यूट्यूब खोलो और उसमें शियरिंग देखो फ्रेंड्स, शियरिंग ऑफ शीप्स, शियरिंग और या शेयरिंग ऑफ वूल, इस तरीके से करके सर्च मारिए, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि कैसे एक भेड़ को पकड़ के एक रेजर के थ्रू वो उसके हेयर्स को हटाते हैं। और आप देखेंगे कि उसमें शीप को कोई नुकसान नहीं हो रहा, वो एकदम सपाट, एकदम क्लीन शेप बन के बाहर निकल के आती है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी जो प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर है वो हट चुकी है, तो उसको अब ठंडी से बचाना पड़ेगा। अगर आप उसको ठंडी से नहीं बचाएंगे तो वो मर जाएगी शीप, ठीक है। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पता था कि इस हेयर को हॉट वेदर में निकाला जाता है, हॉट वेदर में इसलिए निकाला जाता है ताकि अगर बाहर गर्मी है तो ये शीप सरवाइव कर जाएगी। ये वूलन फाइबर्स, ये जो हेयर्स थे, ये एक्चुअली में उसको ठंडी से बचाने के लिए थे। आपने हेयर को हटा दिया, तो अब हेयर को हटा दिया तो उसको ठंडी से बचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। और फिर इन हेयर से, इन वूलन फाइबर से आप वूलन यार्न बनाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि शियरिंग शीप को नुकसान नहीं पहुंचाती, जो कि अपर लेयर ऑफ जो स्किन है जिसपे बाल आते हैं, ये डेड ग्रोथ होती है। और डेड ग्रोथ को आप हटा देंगे तो आपको दर्द या नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसके बाद आप स्टेप टू में क्या करोगे, स्टेप टू में जो शेयर्ड स्किन हेयर्स के साथ आपने निकाली है, इसको आप टैंक्स में धोओगे ताकि इसमें से ग्रीस, डस्ट और डर्ट, गंदगी को निकाला जा सके। इस धोने के प्रोसेस को स्काउरिंग कहते हैं। तो मैनुअली भी पहले से किया जाता था, आज की डेट में इसको मशीन से किया जाता है, चूंकि चीजें बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गई हैं, मशीनाइज्ड हो गई हैं, हर प्रोसेस में हमको समय कम बर्बाद करना है, इसलिए मशीन से भी किया जाता है। तो पहला यहाँ पे आपको शियरिंग दिख रही है, चिंता मत करिए, इसको देख के आप ये मत समझिए कि शीप मर गई है, शीप बिल्कुल जिंदा है। उसके बाद टैंक्स में डाल के जो फूल, जो इसकी लेयर निकाली गई है खाल की और जो बाल निकाल गए हैं, उनको धुला जाएगा टैंक में। अगर आप धुलना नहीं चाहते तो उसको मशीन में भी किया जाता है। देखिए स्काउरिंग बाय मशीन कुछ इस तरीके से होती है, मशीन से स्काउरिंग, जिससे उसकी ग्रीस, डर्ट और जो उसमें गंदगी है वो निकल जाएगा। स्काउरिंग के बाद सॉर्टिंग की जाती है, ठीक है। जो हेयरी स्किन होती है उसको एक फैक्ट्री में बेचा जाता है, और उस सॉर्टिंग में उसके हेयर से अलग अलग टेक्सचर्स में सेपरेट किया जाता है। देखिए जो शीप के हेयर्स होते हैं जो आपके निकले हैं शेयरिंग के बाद, उनको धुला गया, धुलने के बाद उन हेयर्स की सॉर्टिंग की जाएगी, और सॉर्टिंग में उसको उसके प्रयोग के हिसाब से उसके हेयर्स को अलग किया जाएगा। तो हेयर्स को उनके प्रयोग के हिसाब से अलग किया जाएगा। ये सॉर्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना, थोड़ा डेंजरस होता है, इससे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। इससे एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है सॉर्टर्स डिजीज, सुना होगा आपने, इसका अक्सर कर नाम रहता है न्यूज में। क्या होती है डिजीज के बारे में थोड़ी आगे हम लोग बात करेंगे। एक बैक्टीरिया की वैसे होती है, उस बैक्टीरिया का नाम पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो थोड़ी देर में तुम लोग देखेंगे। फिर सॉर्टिंग के प्रोसेस के बाद क्या होता है कि इनमें छोटे छोटे बर्स होते हैं, एक स्मॉल फ्लफी टाइप के फाइबर्स होते हैं जो इन हेयर्स में से अलग निकालने पड़ते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर्स पे भी आ जाते हैं, समझ गए फ्रेंड्स। कभी अभी आप स्वेटर पहुंचोगे तो स्वेटर से कुछ टूट के हल्के फुल्के बाल निकल के बाहर गिरने लगेंगे, झड़ने से लगेंगे, आपके हाथ में आने लगेंगे। ये एक्चुअली में बर्स होते हैं, इन बर्स को निकालना पड़ता है उसके हेयर से, ठीक है। तो पहले आपने स्काउरिंग की, फिर उसकी सॉर्टिंग की, सॉर्टिंग के बाद आपने उसमें से बर्स निकाले, BURS, और बर्स निकालने के बाद उसको फिर से उसकी स्काउरिंग होगी और फिर उसको सुखाया जाएगा।
अब जो वूल बनेगा उसको आप फाइबर्स में ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो अब उस वूल को इस स्टेज में आप ले आए हो कि उससे अब फाइनली फाइबर को बनाया जाएगा, समझ गए, वूलन यान को अब उससे बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है फ्रेंड्स। पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, पहले आपने शीप को रियर किया, बड़ा किया, रियरिंग के बाद उसने आपके हेयर, आपने उसके हेयर को निकाला, तो आपने उसकी शीयरिंग की, शीयरिंग के बाद आपने उसको साफ किया, ठीक है। तो साफ को बोले जाएगा स्काउरिंग, स्काउरिंग के बाद आपने उसके हेयर्स को टेक्सचर्स के हिसाब से सेपरेट किया, उसे बोलेंगे सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद एक छोटा स्मॉल फ्लफी फाइबर होता है ब्लर नाम का, उसको हटाना होता है, उसको हटा बर नाम का सॉरी BURS, उसको हटाया, और बर्स को हटाने के बाद फिर से आपने एक बार उसकी स्काउरिंग की, और स्काउरिंग के बाद फाइनली अब आप उसे फाइबर में कन्वर्ट करोगे। अच्छा, कन्वर्ट करने से पहले आप उस फाइबर को कुछ कलर भी दे सकते हो। आपने देखा होगा आपके स्वेटर ऑरेंज कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, अलग अलग तरीके के आप जाके स्वेटर खरीद सकते हो। किसी भी आप मॉल में जाइए, वहाँ पे मोंटी कार्लो के सुंदर सुंदर से स्वेटर होते हैं, सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है उनको खरीदने में, बड़े महंगे से भी होते हैं। छोटे में देखा नहीं तो मम्मी पापा के साथ जाते थे किसी मॉल में स्वेटर खरीदने के लिए, मम्मी ये स्वेटर दिला दो वो स्वेटर दिला दो, खुश हो जाते थे। तो ये जो कलर्स होते हैं ना अलग अलग स्वेटर के, क्या ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं? नहीं फ्रेंड्स, नेचुरली आप देखोगे जब शीप या गोट से जो वूल निकलेगा वो ब्लैक कलर का होगा या ब्राउन कलर का होगा या व्हाइट कलर का होगा, उसको आपको डाई करके दूसरे कलर में लाना है। तो जैसे कि आपको भैया ब्राउन कलर सॉरी आपको मान लीजिए ऑरेंज चाहिए या रेड चाहिए या ग्रीन चाहिए, इस तरीके के अगर आपको ग्रे चाहिए कलर चाहिए तो आपको पहले उसको डाई करके कलर में लाना पड़ेगा, और फिर इन फाइबर्स को स्ट्रेटन किया जाएगा, कॉम्ब किया जाएगा और यान में बदला जाएगा। तो अब फाइबर से यान में बदलने का प्रोसेस होगा और फिर वो यान आपका मार्केट में बिकेगा, या तो फिर वो यान ये मोंटी कार्लो वाले उसको आप कह सकते हैं बल्क में खरीदेंगे और अपनी फैक्ट्री में स्वेटर बनाएंगे, या फिर आपकी दादी माँ या आपकी मम्मी जाके उस यान को बाजार से खरीद के लाएंगे और उससे निटिंग करके स्वेटर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो वूल आपके सामने आएगा, जो फाइबर आपके सामने आएगा, वो फाइबर दो फॉर्म में आएगा, एक तो लॉन्ग फाइबर होगा एक शॉर्ट फाइबर होगा, एक तो लंबा फाइबर होगा एक शॉर्ट फाइबर होगा। जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं ना वो स्वेटर्स बनाने में काम आते हैं फ्रेंड्स, और जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं वो वूलन क्लॉथ बनाने में काम आते हैं। तो जो लॉन्ग फाइबर्स निकलेंगे वो स्वेटर बनाने में काम आएंगे, जो शॉर्ट फाइबर्स होंगे वो वूलन क्लॉथ बनाने में काम आएंगे। तो आप फाइबर्स की लेंथ के हिसाब से ये डिसाइड करोगे कि किस चीज में उसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए यान रोल किया जा रहा है, ठीक है, फाइबर से यान को रोल किया जा रहा है, समझ गए, कुछ एक तरीके का आपको दिखाया गया। अगर आप इस प्रोसेस को और मैं फिर से बोल रहा हूँ तरीके से देखना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आज आप डिजिटल एरा में रह रहे हैं, ये सब चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको दिख जाएगा, एक एक चीज आपके आंखों के सामने हो जाएगी ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। आज की डेट में ग्लोबल डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है फ्रेंड्स, इतने सारे रिसोर्सेज आपके सामने अवेलेबल है, आप लोग काफी लकी है कि आप बैठे बैठे चीजों को देख सकते हैं। तो देखिए प्रोसेस किस तरीके से हुआ, पहले आपने रियरिंग की, शीप की, फिर शीयरिंग की, फिर स्काउरिंग की, फिर साउटिंग की, फिर बर्स को हटाया, बर्स को हटाने के बाद फिर से आप उसकी एक बार स्काउरिंग करोगे, सुखाओगे, फिर उसको डाई करोगे कलर्स में, फिर उसकी रोलिंग करके उसको यान बनाओगे और वो यान आपका मार्केट में बिकेगा। अब यहां पे मैं बात करता हूं ऑक्यूपेशनल हजार्ड की। ऑक्यूपेशनल हजार्ड का मतलब होता है कि जब काम करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको आप बोलोगे ऑक्यूपेशनल हजार्ड। और वूल इंडस्ट्री में ऑक्यूपेशनल हजार्ड किस तरीके से इन्वॉल्व है, मैंने बताया था ना एक सॉर्टर्स डिजीज के बारे में आपको बताया था, वूल इंडस्ट्री बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं, बट एक काम है जिसको बोलते हैं सॉर्टर जॉब, जो सॉर्टिंग का काम होता है वो रिस्की होता है। अब देखिए ऊपर आइए, सॉर्टिंग का काम में क्या बताया था फ्रेंड्स कि हेयरी स्किन को आप एक फैक्ट्री में बेचते हो और वहां पे अलग अलग टेक्सचर्स के जो हेयर्स हैं उनको आप अलग करते हो। तो जो हेयर आया है शिप का उसके अलग अलग टेक्सचर्स हैं उनको आप सेपरेट करोगे, पर वो जो हेयर आया है फ्रेंड्स वो आया तो एक जानवर की खाल से है ना, और जानवरों की खाल में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, तो कभी कभी एक ऐसा बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स जो कि एक सॉर्टर को जो सॉर्टिंग का काम कर रहा है उसको इन्फेक्ट कर देता है। इससे फैटल ब्लड डिजीज होता है जो कि बहुत डेंजरस होता है, उसको बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज। और जब किसी इंडस्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है और उस इंडस्ट्री की वजह से उसकी हेल्थ पे रिस्क आ जाए तो उसको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ठीक है। अब यहां पे बूझो कि दिमाग में एक चीज आई है कि भाई हम जब अपने बाल को खींचते हैं तब हमें दर्द होता है, एक लिमिट से ज्यादा जब हम खींचेंगे, लेकिन जब हम हेयर कट लेते हैं हमको बिल्कुल दर्द नहीं होता, ऐसा क्यों? फिर बूझो वंडर कर रहा है कि भैया कॉटन का तो हमारे पास कपड़ा है ना,
तो जो काम एक वूलन कपड़ा कर सकता है, एक वूलन स्वेटर कर सकता है, एक कॉटन का कपड़ा क्यों नहीं कर सकता है? कॉटन का कपड़ा इतना गर्म क्यों नहीं होता है? इसका जवाब आप खुद जानने की कोशिश कीजिए। वैसे जवाब बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। ये जो हेयर्स होते हैं, जब ये हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं तो हमारे सर के अंदर के कुछ खांचों में फंसे हुए हैं। वो खांचे क्या है ये जाके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। और क्या ऐसा होता है कि जो वूलन के जो स्वेटर में जो यार्न्स होते हैं, वो यार्न्स अपने जो इंटरनल स्पेसेस उसमें एयर को ट्रैप कर लेते हैं? और चूंकि आपको पता है कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हमारे शरीर की हीट को ये ट्रैप्ड एयर बाहर नहीं निकलने देती है। क्या कॉटन यार्न के बीच की जगहों पे एयर ट्रैप होती है? क्या इस चीज से आपको इस सवाल का जवाब मिला? पता करने की कोशिश कीजिए। गूगल पे सर्च मारिए ना कि व्हाई वूल इज मोर इफेक्टिव इन टैकलिंग विंटर देन कॉटन। इस तरीके से सर्च मारिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वही एक एक्टिविटी है कि आपने देखा कि ह्यूमंस कर क्या रहे हैं, शीप को उगा रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने शीप को नेचुरली ना उगाने के बजाय सिलेक्टिव ब्रीडिंग की। सिलेक्टिव ब्रीडिंग से उन्होंने अपने मन की शीप बनाई और उस शीप को बढ़ा करते हैं, रियर करते हैं, खिला पिला के, और फिर उसका हेयर निकाल लेते हैं वूल के लिए। तो एक तरीके से आप एक जानवर का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो क्या ये सही है? इज दिस राइट? इस चीज को डिबेट करिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे सही है, बहुत सारे लोग बोलेंगे गलत है। सही बात तो देखिए, इसका कोई जवाब है ही नहीं फ्रेंड्स। कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा कि ये चीज सही है या गलत है। आपको एक बैलेंस्ड माइंडसेट बनाना पड़ेगा। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। अब हम बात करते हैं सिल्क की। हमने वूल का प्रोडक्शन को देख लिया, अब हम सिल्क के प्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सिल्क भी एनिमल फाइबर्स है, ठीक है। ये जो सिल्क वॉर्म है, ये सिल्क फाइबर्स को स्पिन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जिसमें आप सिल्क वॉर्म्स को रियर करते हैं, पहले आपने शीप को रियर किया था, अब सिल्क वॉर्म्स के रियरिंग के प्रोसेस को और फाइनली उससे सिल्क बनाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर, ठीक है। किस किस तरीके की सिल्क साड़ी आपकी माताजी या आपकी मदर या आपकी आंटी पहनती हैं? आपको मैं कुछ सिल्क के टाइप्स बता देता हूं, बाकी आप खुद जाके ढूंढिए। एक होता है तसार सिल्क, एक होता है मलबरी सिल्क, एक होता है एरी सिल्क, एक होता है मूगा सिल्क। ये मैंने चार तरीके के सिल्क के टाइप्स आपको बताए हैं। और कितने तरीके के टाइप्स होते हैं जरा खुद जाके आप एक बार ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब ये सिल्क का प्रोडक्शन होता कैसे है, इसको जानने के लिए आपको एक सिल्क मौत की पूरी जिंदगी को देखना पड़ेगा, क्योंकि सिल्क मौत का एक बहुत मेजर रोल है इस सिल्क को बनाने में। यहां पे देखिए दो तरीके के एडल्ट सिल्क मौत दिख रहा है। ये है फीमेल एडल्ट सिल्क मौत, ये है मेल एडल्ट सिल्क मौत। होता क्या है कि जो फीमेल सिल्क मौत होता है वो अंडे देता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए इस मलबरी लीव्स पे इस फीमेल सिल्क मौत ने कुछ अंडे दे रखे, एकदम छोटे छोटे से। और जब ये अंडे फूटते हैं, हैच करते हैं, तो इसके अंदर से निकलते हैं कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म्स। और ये कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म्स धीरे 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 साइज में बड़े होंगे, और जब वो साइज में एक लिमिट से ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो वो अपनी नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ में जाएंगे। उनकी नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ को बोला जाता है प्यूपा। प्यूपा उनका नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है, ठीक है। उसमें पहले ये एक नेट बनाएंगे अपने आप को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। फिर ये अपने हेड को इधर से उधर स्विंग करेंगे साइड टू साइड, एक आर्ट तरीके का शेप बनाएंगे, ठीक है। और देन ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स अ फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू द एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। Soon the caterpillar completely covers itself by the silk fibers and turns into pupa. This covering is known as cocoon. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon. Silk fibers are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is strong as compared to thread of steel? सब कुछ पढ़ दिया, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस female सिल्क मौत ने अंडे दिए, ये अंडे इस मलबरी लीव्स पे पड़े हुए हैं। जब ये अंडे हैच करेंगे उसके अंदर से कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म इस तरीके के निकलेंगे। जब निकलेंगे तो बहुत छोटे होंगे। अब ये इन्हीं मलबरी लीव्स को खाते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं, ये जो कैटरपिलर निकलता है, ये अपना न्यूट्रिशन इन्हीं मलबरी लीव से लेगा, बहुत दिन तक खाएगा, 20 हफ्तों तक आप कह सकते हो कि ये खाता रहेगा। खाने के बाद ये काफी बड़ा हो जाएगा। जब बड़ा हो जाएगा ये काफी फ्रेंड्स, तो एक टाइम बड़े होने के बाद ये क्या करेगा,
कि कुछ इस टाइप का शेप अपने ऊपर डेवलप करेगा, कुछ इस तरीके का, देखिए इस तरीके का शेप ही अपने ऊपर डेवलप करता चला जाएगा। और वो शेप में क्या होगा कि जब ये 8 के साइज में अपने सर को घुमाएगा तो वो एक प्रोटीन एमिट करेगा, और वो प्रोटीन जब हवा से एक्सपोज होगा तो वो हार्डन होता जाएगा, और ये जो कैटरपिलर सिल्क मॉथ है ना वो इस प्रोटीन के अंदर पूरी तरीके से दब जाएगा, और फिर वो कुकून हमको कुछ इस तरीके का नजर आएगा। और वो जो कैटरपिलर या सिल्क मॉथ है उस कुकून के अंदर उसने अपने आप को छुपा लिया है, और उस कुकून के अंदर वो कैटरपिलर या सिल्क मॉथ अपने आप को इस एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए कैसे ये कैटरपिलर और सिल्क मॉथ अपने आप को कवर करके अंदर एडल्ट सिल्क मॉथ में कन्वर्ट कर रहा है, और फिर ये एडल्ट सिल्क मॉथ बाहर निकल के कुछ ऐसा नजर आएगा, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो फीमेल ने अंडे दिए, अंडे मलबरी लीव्स पे दिए, अंडे फूटे, उसमें से कैटरपिलर सिल्क मॉथ निकला, उसने मलबरी लीव्स पे खाना खाया, काफी स्ट्रांग हुआ, स्ट्रांग होने के बाद उसने अपने ऊपर प्रोटीन की एक लेयरिंग बनाई, उस लेयरिंग के अंदर उसने अपने आप को छुपा लिया, और उस लेयरिंग की आड़ में वो अपने आप को एक सिल्क मॉथ में कन्वर्ट कर लेगा। हमारे काम का क्या होता है इस पूरे प्रोसेस में, ये कुकून, क्योंकि इसके ऊपर जो उसने लेयरिंग बनाई है ना घुमा घुमा के आड़ के शेप में, यही वो सिल्क फाइबर है जिसके प्रयोग से हम अपनी सिल्क की साड़ियां बनाएंगे बाद में। इसी सिल्क के फाइबर को हम लोग यान में कन्वर्ट करेंगे, और उस यान से हम लोग साड़ियां बनाएंगे, बाकी चीजें बनाएंगे सिल्क की। तो ये जो प्रोसेस है काफी ट्रिफी होती है, इसीलिए सिल्क आपका बहुत महंगा बिकता है मार्केट में। आई होप कि मैं यहाँ पे जस्टिस कर पाया हूँ, चीजों को आपको समझा पाया हूँ। तो देखिए ये जो सिल्क यान मिला, जो थ्रेड मिला, ये सिल्क मॉथ के कुकून से मिलता है। जो सिल्क मॉथ है, पहले तो वो कैटरपिलर था, सिल्क वॉर्म था, उसने अपने चारों तरफ कुकून बना लिया, और कुकून के अंदर वो सिल्क मॉथ में डेवलप कर जाएगा। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिल्क मॉथ होते हैं जो एक दूसरे से काफी अलग दिखते हैं, और जो अलग अलग वो सिल्क देते हैं ना वो टेक्सचर में डिफरेंट होता है, कुछ हार्ड होगा, कोई बहुत स्मूथ होगा, कोई शाइनी होगा, कोई उतना हार्ड नहीं होगा। तो ये जो अलग अलग तरीके के सिल्क हैं वो अलग अलग तरीके के मॉथ में मिलते हैं। तो सिल्क की वैरायटी में आपको तसार सिल्क मिल जाएगा, मूगा मिल जाएगा, कोसा सिल्क मिल जाएगा। जो सबसे कॉमन टाइप का सिल्क मॉथ होता है, तो सबसे कॉमन टाइप का सिल्क मिलता है वो होता है मलबरी सिल्क मॉथ। 90% ऑफ द सिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज मलबरी सिल्क। तो ये जो मलबरी सिल्क से आपको सिल्क फाइबर मिल रहा है, सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, इलास्टिक होता है, अलग अलग कलर्स में इसको डाई करके आप इसको बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कलर्स दे सकते हैं। तो ये जो सेरीकल्चर है सिल्क वॉर्म को सिल्क वॉर्म्स के थ्रू ये जो सिल्क के फाइबर को बनाने का जो कल्चर है ये बहुत पुराना है इंडिया में, और इंडिया काफी सारा सिल्क प्रयोग करता है कॉमर्शियल स्केल में। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी फ्रेंड्स कि मैंने किस तरीके से, और देखिए काफी मुश्किल है क्योंकि 5500 सिल्क मॉम, 5500 एक आइडिया, रफ आइडिया दे रहा हूँ कि 5500 सिल्क मॉम 1 kg ऑफ सिल्क बनाते हैं। तो 5500 सिल्क मॉम 1 kg ऑफ सिल्क बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे आपको ये सिल्क रेयरिंग करनी पड़ेगी कि आप सिल्क एंड में प्रयोग बना पाओगे, और इसीलिए सिल्क इतना महंगा बिकता है मार्केट। इसीलिए आप सिल्क के अल्टरनेटिव्स को यूज करते हो, जैसे कि आप मार्केट में आर्टिफिशियल सिल्क को इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आर्टिफिशियल सिल्क फॉर एग्जाम्पल हो गया रेयॉन, ये बहुत सारे नेचुरल और मैनमेड फाइबर्स को मिला के बनता है तो ये सस्ता होता है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, क्योंकि ओरिजिनल सिल्क बहुत महंगा होगा। आप सिल्क की साड़ी लेने जाएंगे 7-8 हज़ार रुपए से कम की मिलेंगी नहीं, और मार्केट में ठगते भी बहुत है, पता नहीं सिल्क की हो भी कि नहीं हो। आप अगर एक्सपर्ट नहीं है तो आप उसको चूंकि पता नहीं कर पाएंगे कि सिल्क की साड़ी है भी कि नहीं है। अब देखिए अलग अलग तरीके के सिल्क क्लॉथ के पीसेस को जुटाइए और उनको अपने स्क्रैप बुक में लगाइए। कहाँ मिल सकते हैं आपको, तो आप टेलर की शॉप में जाइए, वहां पे वो बहुत सारे सिल्क के कपड़े बनाता होगा, वहां पे आपको ऐसे पीसेस मिल जाएंगे। आप अपने माँ की मदद से, आंट की मदद से, टीचर की मदद से आप अलग अलग सिल्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, मलबरी सिल्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, तसार सिल्क को, एरी सिल्क को, मूगा सिल्क को, और इन अलग अलग सिल्क के टेक्सचर्स को आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस से कंपेयर करिए। आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस क्या, सिंथेटिक फाइबर, जैसा कि मैंने आपको बताया रेयॉन इज एन आर्टिफिशियल सिल्क। तो इस आर्टिफिशियल सिल्क के साथ इन सिल्क को कंपेयर करने की एक बार कोशिश कीजिए, देखिए इनमें क्या फर्क है। फिर आप वो जो अलग अलग मॉथ्स होते हैं उनकी फोटोज को इकट्ठा करिए और जानने की कोशिश करिए कि अलग अलग सिल्क के अलग अलग मॉथ्स हैं और वो मॉथ्स किस हिसाब से अलग हैं। आप गूगल पे सर्च मार के फोटो निकाल सकते हैं, यानी मलबरी सिल्क का मॉथ अलग होगा, तसार सिल्क का मॉथ अलग होगा, एरी सिल्क का मॉथ अलग होगा, मूगा सिल्क का मॉथ अलग होगा। सारी की फोटोज देख के उनमें डिफरेंसेस पता करने की कोशिश कीजिए, बस एक देख लीजिए इनके शेप और साइज में क्या डिफरेंसेस है, उनके कैटरपिलर सिल्क मॉथ्स में क्या डिफरेंस है। अब आप एक काम करिए फ्रेंड्स, एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क लीजिए
और एक प्योर सिल्क लीजिए और दोनों को जलाइए, क्या फर्क नजर आएगा आपको? जब आप आर्टिफिशियल सिल्क को जलाओगे फ्रेंड्स, तो आपको एक पेपर टाइप की चीज जलने की बदबू आएगी, कोई पेपर जला रहे हो आप। जब आप प्योर सिल्क थ्रेड को जलाओगे ना फ्रेंड्स, तो जो बदबू आपको हेयर के जलने मनाने, बालों के जलने पे आती है ना, या फिर जब कोई प्रोटीन जल रहा होता है तब जैसी बदबू आ रही है, जैसे कि कोई मांस जल रहा है, जब मांस जलता है तो आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोटीन जल रहा है, तो प्रोटीन के जलने की बदबू, हेयर के जलने की बदबू जैसी आती है जब आप प्योर सिल्क को जलाते हो। तो अब यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस सोचिए फ्रेंड्स, हमारे जो हेयर है वो प्रोटीन से बने हुए हैं, केराटिन नाम का एक होता है ह्यूमन हेयर्स की अगर बात की जाए, और ये जो आप सिल्क बना रहे हो ये भी तो आपने जानवरों के हेयर से बनाया है, तो वो भी तो प्रोटीन का ही होगा। तो जब आप प्योर सिल्क थ्रेड को जलाओगे तो प्रोटीन के जलने की बदबू आएगी, हेयर के जलने की बदबू आएगी, एक एनिमल के मांस को टाइप को जला रहे हो उस टाइप की बदबू आएगी। लेकिन जब आप एक सिंथेटिक सिल्क थ्रेड को जलाओगे तो आपको एक पेपर के जलने की बदबू आएगी। तो आपको उससे फर्क पता चल जाएगा कि एक आर्टिफिशियल सिल्क में और प्योर सिल्क में क्या फर्क होता है, किस तरीके की स्पेल में डिफरेंसेस होता है, ये मैंने बता दिया। हालांकि एग्जैक्ट नॉलेज आप तभी ले पाओगे जब आप रियल में किसी एक ऐसी चीज को जलाओगे। तो भाई बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और प्योर सिल्क में क्या फर्क है, इसका मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। यहां पे एक चीज आप और देख सकते हो फ्रेंड्स, कि एक वूलन थ्रेड को जब आप जलाते हो और एक सिल्क को आप जलाते हो तो क्या फर्क होता है उसमें। तो देखिए मैंने आपको एक चीज बताई फ्रेंड्स, जब आप वूल को जलाओगे और सिल्क को जलाओगे, ये जो सिल्क है, अभी देखो मैंने बताया कि जो वो कोकून था वो अपने तरफ चारों आठ की शेप में एक प्रोटीन इजेक्ट करता है, और वो प्रोटीन जब हवा से एक्सपोज्ड होता है तो कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वो जो कैटरपिलर है सिल्क वॉर्म, वो जो इजेक्ट कर रहा है वो है तो एक प्रोटीन ना, उसी तरीके से जो वूल था, वो जो हेयर ग्रो कर रहा था शीप के शरीर पे, वो था तो एक प्रोटीन ना, तो दोनों है तो प्रोटीन ना, बस उस प्रोटीन की क्वालिटी थोड़ी अलग है। एक प्रोटीन आपका सिल्क वॉर्म से आ रहा है और एक प्रोटीन आपका शीप से आ रहा है। आप कह सकते हो कि जो प्रोटीन आपका सिल्क वॉर्म से आ रहा है वो थोड़ा महंगा मिल रहा है, क्योंकि उसको बनाने में काफी मेहनत लग रही है, लेकिन दोनों प्रोटीन है। इसलिए जब आप एक वूल को जलाओगे और जब आप एक सिल्क के कपड़े को जलाओगे, दोनों में आपको प्रोटीन के जलने की सी बदबू आएगी, ठीक है, बस स्ट्रेंथ, बदबू की स्ट्रेंथ में थोड़ा फर्क होगा, दोनों में लगेगा कि किसी एनिमल का मांस चल रहा है, क्योंकि है दोनों प्रोटीन ही। लेकिन जब आप आर्टिफिशियल सिल्क को जला रहे हो तो वो प्रोटीन नहीं है, उसमें आपको प्रोटीन के जलने की बदबू नहीं आएगी। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो वूल आपको मिल रहा है शीप की खाल से वो भी एक प्रोटीन है, और जो यहाँ पे आपको सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर से मिल रहा है वो भी एक तरीके का प्रोटीन ही है। तो दोनों को जलाएंगे तो दोनों में आपको प्रोटीन के जलने की या हेयर के जलने की बदबू आएगी, बस बदबू की स्ट्रेंथ में फर्क होगा, किसमें तेज बदबू आएगी किसमें कम बदबू आएगी वो आप जला के देखिए, ठीक है। अब यहां पे एक एक्टिविटी है चीजों को याद रखने के लिए, कि आप सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री की अलग अलग पिक्चर्स को जमा करिए, उनको जंबल कर दिए, और उन जंबल करके उनको एक साइक्लिकल फॉर्म में ये पता करने की कोशिश कीजिए कि एक सिल्क मॉथ किस तरीके से सिल्क प्रोडक्शन में क्या हायरार्की होती है। देखिए सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, एक एडल्ट फीमेल सिल्क मॉथ होगा, वो अंडे देगा मलबरी लीव्स पे, वो अंडे फूटेंगे, उसमें से कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म निकलेगा, वो कैटरपिलर सिल्क वॉर्म मलबरी पे फीड करके बहुत दिनों बाद बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद किसी कोने में जाके वो अपने अंदर से एक आठ के शेप में एक स्ट्रक्चर को इजेक्ट करना शुरू होगा, वो स्ट्रक्चर एक तरीके का प्रोटीन होगा जो हवा के टच में आके हार्डन होना शुरू हो जाएगा, और वो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म इस स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को छुपा लेगा, और इस स्ट्रक्चर के अंदर धीरे धीरे वो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म बड़ा होके मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिल्क मॉथ बन जाएगा। तो ये होती है लाइफ हिस्ट्री एक मॉथ की, जिससे कि आप सिल्क बनाते हैं। इंडिया में जो औरतें हैं, वुमेन हैं, वो अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज के साथ इन्वॉल्व है सिल्क प्रोडक्शन में, तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स में भी इन्वॉल्व होती हैं वो, फिर रीलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फ्रॉम कुकून में भी इन्वॉल्व होती हैं, तो उन कुकून से सिल्क निकालने का जो प्रोसेस है उसमें भी इन्वॉल्व है, फिर रॉ सिल्क को फैब्रिक में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसमें भी इन्वॉल्व है, इस तरीके से वो इकोनॉमी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देती है। सिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर वन कंट्री कौन सी है, चाइना है, इंडिया वन ऑफ द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज में आता है, ठीक है। तो फ्रॉम कोकून टू सिल्क, तो जैसे आपको सिल्क मिला आपने मॉथ्स को रियर किया और उस कोकून में से आपने सिल्क थ्रेड्स को कलेक्ट किया, ये काम किया। अब देखिए रियरिंग सिल्क वॉर्म्स की बात कर लेते हैं, एक फीमेल सिल्क मॉथ एक टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है, ठीक है, यहाँ पे 3.10A में आपको दिख रहा है, एक बहुत हंड्रेड्स ऑफ एग्स दे रही है वो एक टाइम पे।
ये एक्स क्या होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो किया जाए। एक्स आर स्टोर्ड केयरफुली इन अ क्लॉथ ऑफ पेपर और सोल्ड टू सिक्स वॉर्म्स। तो इन एग्स को एक क्लॉथ ऑफ पेपर में स्टोर किया जाता है, सिल्क वॉर्म फार्मर्स को भेज दिया जाता है। ये जो फार्मर्स है उस एग्स को हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर में रखते हैं, उनको अप्रोप्रिएट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देते हैं। जब प्रॉपर वॉर्म्थ मिलती है इन अंडों को एक सूटेबल टेम्परेचर पे, तो ये हैच करते हैं, ठीक है। और इन एग्स के अंदर में से वो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म्स निकलते हैं, ठीक है। ये जो हैचिंग होती है वो मलबरी लीव्स पे की जाती है, और खासकर तब की जाती है जब एक पेड़ पे बहुत सारी मलबरी लीव्स निकल रही है, लीव्स निकलने का सीजन हो, तो फिर जो लार्वा अंदर से निकलेगा, जो कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म्स निकलेंगे, उनको इन मलबरी लीव्स के फॉर्म में बहुत सारा खाना मिल जाएगा। डे और नाइट ही खाना खाएंगे और बहुत बड़े हो जाएंगे साइज में। जब निकलते हैं तो पिद्दी से निकलते हैं, धीरे धीरे बहुत बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े दिखेंगे। फिर जब एक टाइम के बाद ही अपने आप ऊपर एक 8 रंग का प्रोटीन निकालना शुरू कर देंगे, और बहुत बड़े होके इस तरीके के कुकून्स बन जाएंगे। उन कुकून्स के अंदर वो लार्वे या कैटरपिलर होगा जो कि डेवलप होगा, हो रहा होगा किसमें, एक सिल्क मॉथ में। अब देखिए, जब डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में बात की जाए, तो पहले भी मैंने डिस्कवरी ऑफ सिल्क को आपके साथ डिस्कस किया है। एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी पता नहीं, कहा जाता है कि आज से लगभग 7000 साल पहले, यानी 5000 BC में आप कह सकते हैं कि चाइना में सिल्क डिस्कस किया गया था। एक ओल्ड चाइनीज लेजेंड कहता है कि हुआंग टी नाम का चाइनीज एम्परर था, उसने अपनी एम्प्रेस सी लुंग ची से बोला कि भाई हमारे गार्डन में जो मलबरी के ट्रीज हैं उनके जो पत्ते हैं उनकी लीव्स डैमेज हो रही हैं, तो जरा देखिए कि क्यों डैमेज हो रही हैं। तो ये जो सी लुंग ची थी, इन्होंने जाके देखा कि भाई उनकी मलबरी के पत्तों को व्हाइट वॉर्म्स खा रहे हैं, और उन्होंने देखा कि वही व्हाइट वॉर्म्स एक कुकून बना रहे हैं अपने चारों तरफ। और एक दिन उन्होंने गलती से देखा कि एक कुकून गलती से उनकी चाय में गिर गया, तो जब चाय में गिरा तो डेलिकेट रंग के थ्रेड्स अलग होने लगे उस कुकून से। तो इससे एम्प्रेस को कुछ समझ में आया, उसने अपने कुछ स्पेशल लोगों को बुलाया होगा, आर्टिस्ट वगैरह को, उन्होंने चीज को देखा होगा। फिर सिल्क इंडस्ट्री इस चीज को देख के चाइना में शुरू हुई। बहुत दिनों तक, बहुत सालों, हजारों सालों तक एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट था, चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को किसी और को दिया नहीं। धीरे धीरे ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स के पास ये सिल्क बनाने की टेक्नोलॉजी पहुंची, और जिस रास्ते से चाइना से सिल्क बाहर निकला और दूसरी कंट्रीज में गया, इसको बोला जाता है सिल्क रूट। आज भी इसको सिल्क रूट के नाम से बोला जाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सिल्क रूट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। फिर वो जो लार्वे था, जो सिल्क वॉर्म्स थे, जो बड़े हो रहे थे धीरे धीरे आपके मलबरी लीव्स पे, उनको एक क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखा गया। ये नॉर्मल आपका सेरिकल्चर में किया जाता है, फ्रेशली चॉप्ड मलबरी ट्रीज लीव्स के साथ। ऑब्वियसली बात है, 25 से 30 दिनों तक, मैंने शायद पहले 20 हफ्ते बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट, 25 से 30 दिनों तक ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, ये इन मलबरी लीव्स को खाते हैं, और जो खा के अच्छे खासे ताकतवर हो जाते हैं, तब ये बैम्बू के किसी टाइनी चैम्बर में जाके अपने कुकून को स्पिन करने लगेंगे। और कुकून के स्पिन करने के बाद जब ये अपने आप को पूरी तरीके से ढक लेंगे, तो ये कैटरपिलर या फिर वो सिल्क वॉर्म उसी कुकून के अंदर अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, सिल्क मॉथ में। और बहुत सारी पाइल्स ऑफ कुकून से आप कह सकते हैं कि आपको सिल्क फाइबर मिलता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 5500 सिल्क वॉर्म्स, यानी कि 5500 कुकून से आपको 1 kg ऑफ सिल्क मिलेगा। फिर इन कुकून्स को सन के अंदर रखा जाता है, सन के नीचे रखा जाता है वार्म करने के लिए, या बॉइल्ड वाटर में डाला जाता है, या फिर स्टीम को एक्सपोज किया जाता है ताकि इससे सिल्क फाइबर बाहर निकल आए। और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रेलिंग ऑफ सिल्क। तो रेलिंग ऑफ सिल्क क्या है कि जो ये कुकून बन रहा है, उस कुकून के अंदर वो मॉथ है, तो उस कुकून को से सिल्क फाइबर्स को निकालना, इस प्रोसेस को रेलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। पहली का सवाल है, क्या कॉटन थ्रेड को, सिल्क थ्रेड को एक ही तरीके से स्पन किया जाता है? जाके ढूंढने की कोशिश कीजिए। जो रेलिंग है वो स्पेशल तरीके की मशीनों से की जाती है, जो फाइबर्स ऑफ सिल्क को अनवाइंड करते हैं, ठीक है। फिर इन सिल्क फाइबर्स को सिल्क थ्रेड बनाया जाता है, और फिर उस थ्रेड से आपके सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं। ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि जो अंदर मॉथ है वो रीलिंग के प्रोसेस में मर जाता है। तो कुकून क्या होता है, फ्लीस कुकून आपको बता दिया, जो एक कैटरपिलर वॉर्म अपने ऊपर बनाएगा, उस कुकून के अंदर वो अपने आपको मॉथ में कन्वर्ट करेगा। फ्लीस क्या है, जो शीप के ऊपर जो हेयर्स ग्रो कर रहे हैं वो है रीलिंग। इन कुकून से सिल्क फाइबर को निकालने के प्रोसेस को रीलिंग, उस तरीके स्काउरिंग, सेरिकल्चर, शेयरिंग, सिल्क मॉथ, सिल्क वॉर्म सॉर्टिंग, सब बता दिया आपको। तो आपने देखा कि भाई सिल्क आपको सिल्क वॉर्म से मिला, वूल आपको शीप, गोट और याक से मिला। तो सिल्क और वूल दोनों एनिमल फाइबर्स हैं। कैमल के हेयर को यूज किया जाता है वूल बनाने में, लामा और अल्पाका, इनकी मैंने फोटोज भी दिखाई आपको। इंडिया में शीप को रियर किया जाता है वूल पाने के लिए।
शीप हेयर को शीयर किया जाता है शीप की बॉडी से, फिर उसको स्काउर किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है, ड्राई किया जाता है, डाई किया जाता है, स्पन और वोव किया जाता है वूल में, सब बताया आपको। सिल्क वॉर्म्स आर कैटरपिलर्स ऑफ सिल्क मॉथ, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल द वॉर्म्स स्पिन कोकून्स ऑफ सिल्क फाइबर्स, बताया। सिल्क फाइबर्स आर मेड ऑफ प्रोटीन, ये भी बताया आपको। सिल्क फाइबर्स फ्रॉम कोकून्स आर सेपरेटेड आउट एंड रील्ड इनटू सिल्क थ्रेड्स, ये भी बताया। वीवर सिल्क सिल्क थ्रेड्स इनटू सिल्क क्लॉथ, ये भी बताया। तो सारे प्रोसेस को मैंने डिटेल में आपको समझाया है, कहीं अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ शीप, इंडिया रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड बिहाइंड चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। हाउ ओवर न्यूजीलैंड शीप आर नोन टू यील्ड द बेस्ट वूल, ये डाटा रेगुलरली चेंज हो सकता है, इसको कहीं पे भी अपने हिसाब से कोट मत करिएगा। कैटल की पॉपुलेशन चेंज होती रहती है, अभी जाके आप लेटेस्ट गूगल पे सर्च मारिए कि इस समय पे दुनिया में कैटल पे नंबर वन कौन है, और खासकर कैटल में बहुत सारे कैटल्स आते हैं, शीप में या गोट्स में नंबर वन कौन है, इस तरीके से आप सर्च मार सकते हैं, खासकर खासकर वूल रियरिंग शीप्स में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए फ्रेंड्स, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो लाइक तो एटलीस्ट कर दीजिए वीडियोस को, क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक और कमेंट करेंगे वीडियोस को, यूट्यूब उतना ही ज्यादा उनको रिकमेंड करेगा, उतने ज्यादा मुझे व्यूज मिल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।